आज संडे है या था समझ लो, है वैसे तो। ये लोग मछली के लिए परेशान हैं, ये लोग, ये भी आ गए हैं। चिल करो वैसे। बाकी से मैं इस बच्ची को मना कर रहा हूँ कि इधर उधर मत घूमो, पर ये स्टिल इधर आ जा रही है। तुम ऐसा करो, ए बाबू निकलो, घर पे जाओ। मैं आया था इधर कुछ कॉन्सेप्ट लिखने, तो वैसे मुझे एक कहानी याद आ गई। याद क्या आ गई, मैंने ऐसा इंसिडेंट देखा तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो ये है कि उधर से, जैसे कि ये है नहीं छोटी सी भैंस है ये, तो ऐसे मेरी माँ बोल रही थी कि भैंस हमें चाहिए बिकॉज़ हमारे पास गाय है, तो गाय थोड़ा ठीक होती है भैंस के मुकाबले, मतलब शायद भारी वजन और जो भी हो, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। पर कहानी है कि मैं अभी उधर से देख रहा हूँ, तो उधर से भैंस एक भाग रही थी और जिनकी भैंस है वो खदेड़ रही थी। तो मुझे क्या एहसास हुआ कि अभी भैंस हो जाए हमारे पास, तो वो किसी ना किसी गांव में बोलते हैं तोरा गई, तो ऐट वो जो भी है, तो वो खूंटा उटा होता नहीं है बांध के उसको, मतलब छोड़ के तोड़ के रस्सी उससे निकल गई, तो निकल जाती और खूंटा उटा तोड़ के निकल जाती। और माई मोम विल डॉग्ड हिम। डॉग्ड का मतलब है कि पीछे से खदेड़ना, मतलब एकदम पीछे पीछे से। तो ये करती और मैं देखता तो बोलता क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि भैंस भैंस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन गाय जो है ना उसके साथ कभी कभी हो जाता है। तो बस यही इतना था कि चाहे भैंस हो चाहे गाय, कोई से भी हो, गाय भैंस कोई सॉफ्टली बिहेव नहीं करती, जब भागती हैं तो आप भागने दो। बाकी नॉइज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा है, रामायण का नहीं पता मुझे, हवन वन की तैयारी हो रही है, चिड़ियों की चहक और ये हवाएं काफ़ी अच्छी हैं। तो बाय।